कैलाश राणा शिवचंद्र मौली फणेन्द्र माथा मुकुट्टी छलाली कारुण्य सिंधु भवदुख हारी तुझ्विन शंभो भजकोन तारी। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा और उसकी पूरन पूजा विधि। बंधुओं, सावन मास में शनि प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। बंधुओं, यदि किसी पर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या फिर शनि के कोई ग्रह दोष चल रहे हैं तो शनि प्रदोष व्रत जरूर करें। ऐसा करने से आपके शनि संबंधित सभी दोष दूर हो जाएंगे। बंधुओं, यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे तो शनि प्रदोष व्रत कथा जरूर सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शनिदेव महाराज की जय। बंधुओं, शनि प्रदोष व्रत सभी कष्ट और परेशानियों को दूर करने वाला है। शनि प्रदोष व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। बंधुओं, शनि प्रदोष व्रत करने से शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती का प्रभाव तो खत्म होता ही है। साथ में जिसके यहाँ पुत्र ना हो उसे भोले बाबा पुत्र प्राप्ति का वर भी देते हैं। बंधुओं, प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष व्रत एकादशी से दूसरे या फिर तीसरे दिन आता है। बंधुओं, प्रदोष काल में भगवान की पूजा की जाए तो वह बहुत अधिक फल देने वाली मानी जाती है। बंधुओं, जब प्रदोष व्रत हो सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि नित्य कर्म करके भगवान शिव के सामने प्रार्थना करें और संकल्प लें कि भोलेनाथ, मैं आपके निमित्त आज प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूरी करें। बंधुओं, पूरा दिन भगवान शिव के नाम को स्मरण करें, भगवान शिव की कथाएं सुने, भगवान शिव के 108 नाम सुने, रुद्राष्टक स्तोत्र सुने और भगवान शिव के अन्य स्तोत्र सुने। बंधुओं, पूरा दिन मन में भक्ति भाव के साथ रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की निंदा ना करें। जब प्रदोष काल हो उस समय पुनः स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने और शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। बंधुओं, भगवान शिव के सामने पहले पूजा के लिए हथेली में जल लेकर संकल्प करें और फिर भगवान को गंगा जल चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं और फिर कच्चा दूध चढ़ाएं, भगवान शिव को फिर से जल चढ़ाएं और फिर भगवान को जनेऊ पहनाएं, चंदन से भगवान के त्रिपुण बनाएं और फिर चावल चढ़ाएं, भगवान को एक एक करके बेल पत्र चढ़ाएं और बेल पत्र चढ़ाते हुए कहें, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्व शिव अर्पणम। बंधुओं, ऐसे कहते हुए भगवान शिव को एक एक करके बिल्व पत्र चढ़ाएं और उसके बाद आक के फूल, धतूरा, भांग और भगवान को फल भी चढ़ाएं और फिर भगवान शिव को दक्षिणा चढ़ाएं।
भगवान को लौंग इलायची कटी सुपारी चढ़ाएं और फिर भगवान की आरती करें। आरती से पहले वहां बैठकर 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बंधुओं फिर आरती करें। आरती के बाद भगवान को आरती दें। बंधुओं ये ध्यान रखें कि आरती हो सके तो कपूर से करें। बंधुओं इसके बाद भगवान को आरती दें और कहें, कपूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। ये कहते हुए भगवान को आरती दें। फिर भगवान को खीर का प्रसाद अर्पित करें और घर आकर उस खीर को प्रसाद स्वरूप भोजन के साथ ग्रहण करें। बंधुओं अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपकी सभी परेशानियाँ और कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि की ढैया और साढ़े साथी भी दूर होगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शनि देव महाराज की जय। एक समय प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था, परंतु उसके कोई संतान ना थी। इस वजह से वह अपनी पत्नी के साथ काफी दुखी था। संतान की कामना से उन्होंने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने अपना सारा कामकाज अपने नौकरों को सौंप दिया और पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। थोड़े समय तक यात्रा करने के बाद अपने नगर में दूसरे छोर पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक साधु को ध्यान मगन होकर बैठे देखा। तब उन्होंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले एक बार साधु से मिल लें और उनका आशीर्वाद ले लें। वे अपनी पत्नी के साथ साधु के सामने बैठ गए। कुछ समय बाद साधु का ध्यान टूटा तो उनके सामने सेठ और सेठानी बैठे थे। साधु ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर कहा। उन्होंने उन दोनों से कहा कि वे उनका दुख जानते हैं। साधु ने कहा कि तुम दोनों जिस संतान की कामना कर रहे हो उसकी प्राप्ति के लिए तुमको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए, निश्चित ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सेठ अपनी पत्नी के साथ उस साधु का आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने साधु के बताए अनुसार शनि प्रदोष व्रत किया और विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके पास कुछ समय के बाद एक बालक उत्पन्न हुआ। बंधुओं शनि प्रदोष रखने वाले मनुष्यों को संतान प्राप्ति तो होती ही है, इसके अलावा उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।